वेलकम है, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। गाइस, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक रहेगा ह्यूमनरी डेवलपमेंट बाय जीन प्याजे, यानी कि जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। गाइस, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आई थिंक ये बताने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अगर आपने टेट का एग्ज़ाम दिया है ऑलरेडी, तो हर टेट एग्ज़ाम में गाइस, चाहे वो सी टेट हो चाहे वो स्टेट का टेट हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ भी स्किप नहीं करना है और एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। और गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो लेट वी स्टार्ट। संज्ञानात्मक विकास बाय जीन प्याजे, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो गाइस, जीन प्याजे का है, और जीन प्याजे जो है, जैसा कि आप जानते हैं, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ठीक है। तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के लिए इन्होंने अपने बच्चों तथा आसपास के जो बच्चे थे गाइस, उनके संज्ञान यानी कि ज्ञान का एक सर्वोच्च बिंदु, यानी कि जो ज्ञान होता है अपना अंदर का, वो उस ज्ञान पर उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। तो गाइस, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अलग अलग अवस्थाएँ दी है, चार अवस्थाएँ, इसलिए इसको विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन प्याजे गाइस क्या सोचते थे, जीन प्याजे का ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से सीखते हैं, ठीक है। जीन प्याजे क्या कहते थे कि बच्चे खुद से सीखते हैं, इसके साथ साथ में वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहते हैं और इन्वायरमेंट से चीज़ें एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो यानी कि पर्यावरण का भी जो प्रभाव है वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर रहता है, ठीक है गाइस। तो बच्चे खुद से डेवलप होते हैं, उनका जो खुद से विकास होता है, इसके साथ साथ में पर्यावरण से वो कनेक्ट रहते हैं, ये जीन प्याजे का मानना था, ठीक है गाइस। तो जीन प्याजे की जो अवस्थाएं हैं, विकासीय अवस्थाएं जो है, संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं, उन अवस्थाओं के बारे में जानते हैं गाइस, और यहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो मोस्टली बनता है एग्ज़ाम में। तो चार अवस्थाएं बताई है संज्ञानात्मक विकास की। पहली आती है संवेदना गामक अवस्था, इसे कह सकते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। गाइस, हिंदी में आपको काफ़ी सारे नाम मिलेंगे, बेटर ये रहेगा कि आप इंग्लिश में याद करें, ठीक है। जो ये नाम है, इंग्लिश में आपको सिंगल नाम मिलेगा, लेकिन हिंदी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बाकी जैसे आपको सूटेबल लगे, एज यू विश। सो पहली जो आपकी मतलब संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था है वो है संवेदना गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहेंगे, या सेंसोरी मोटर स्टेज। गाइस, दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसे अंत प्रजकाल भी कह सकते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ आती है गाइस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये चार अवस्थाएँ जो है संज्ञानात्मक विकास की जीन प्याजे ने बताई है। एक बार फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट सेंसोरी मोटर स्टेज जो है गाइस, ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, ठीक है। यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है, वहाँ से लेकर 2 साल तक बच्चा जो है सेंसोरी मोटर स्टेज में रहता है। उसके बाद में 2 साल से लेकर 7 साल का जो बच्चा होता है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है गाइस, वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और 11 से 15 साल का बच्चा जो होता है, वो औपचारिक संक्रियात्मक या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। तो ये चार अवस्थाएं हैं अलग अलग, एक एक अवस्था के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ इनकी विशेषताएं हैं, और यहीं से गाइस आपका एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली बनता है। तो सबसे पहले आता है आपका पहली स्टेज, यानी कि सेंसोरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक। भाई, इसमें जो आपका बच्चा होता है गाइस, बालक जो होता है, वो जो है क्या करता है, इंद्रियों पर आधारित क्रियाएं करता है, ठीक है। हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, उन पे आधारित वो क्रिया करता है। इसे मोटर डेवलपमेंट स्टेज भी कहते हैं, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों पे आधारित क्रिया करता है। गाइस, बच्चा गामक क्रियाएं करेगा सेंसोरी मोटर स्टेज में। गामक क्रियाएं यानी कि जो इसके शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। गामक क्रियाएं क्या होती हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं जो बच्चे के शरीर से जुड़ी होती है, जैसे कि हाथ हिलाना, मतलब उठना बैठना थोड़ा बहुत, जो 2 साल तक के बच्चे एक्टिविटी करते हैं वही सभी, ठीक है। इसके अलावा वस्तु स्थायित्व जो है वो पाया जाता है 2 साल तक के बच्चे में। वस्तु स्थायित्व यानी गाइस, जब बच्चा एक चीज़ को देख लेगा तो उसका संपर्क जो है, उसकी जो एक कह सकते हैं कि उसका जो चित्र जो है वो उसके मस्तिष्क में बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बालक जो है अभिभावकों पर डिपेंड रहता है इस स्टेज में, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है।
इसके बाद में थोड़ा सा जान लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, उसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फर्स्ट स्टेज के जानेंगे। फिर इसके बाद में जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं उनमें भाषा कौशल का विकास होता है, ठीक है। जो गाइस जो आपका जन्म से 2 साल का बच्चा होता है वो भाषा बोलना शुरू कर देता है, याद रखिएगा वो भाषा को बोलना शुरू कर देगा, लेकिन भाषा कौशल का जो विकास है वो आपका सेकेंड स्टेज यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल के बच्चे में होता है। उसके बाद में गाइस जो आपका 2 से 7 साल का बच्चा होगा उसमें सजीवता के लक्षण आने लगेंगे। कैसे, यानी कि जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना कि ये चंदा मामा है तो बच्चा उसको सच में मामा मानने लगेगा, ठीक है गाइस, लेकिन ऐसा होता नहीं, यानी कि बच्चे को जो निर्जीव चीज़ें होंगी वो भी उसको सजीव लगने लगेंगी। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो इस स्टेज में बच्चे में पाए जाएंगे। फिर बच्चा जो गाइस इस स्टेज में अतार्किक चिंतन करेगा, यानी कि तर्क नहीं होगा उसकी बातों में, उसकी चिंतन में, सही चित्र भी नहीं बना पाएगा 2 से 7 साल का बच्चा। गाइस ये चीज़ें जो आप मतलब खुद से एक्सपीरियंस भी होता है इन चीज़ों का, हम खुद देखते हैं कि जो हमारे आसपास या हमारे घर में जो 2 से 7 साल 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकार की एक्टिविटी मोस्टली करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप अपना मतलब एक एक्सपीरियंस से थोड़ा सोच के फिर पढ़िए तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। फिर 7 से 11 साल का बच्चा जो थर्ड स्टेज में होता है यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मोस्टली जो आपके मतलब 5th-6th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज में होते हैं, तो उसमें देखिए मूर्त चिंतन की अवस्था आएगी। मूर्त चिंतन की अवस्था यानी कि जो 4th-5th क्लास के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो सामने चीज़ें होती हैं वो उनके ऊपर ही चिंतन करेंगे, ठीक है। अमूर्त चिंतन यानी कि जो उनकी उनके सामने जो चीज़ें नहीं हैं, इंद्रियों से परे का जो ज्ञान है उनके ऊपर वो चिंतन नहीं कर पाएंगे, तो इस उम्र के बच्चे जो है वो मूर्त चिंतन की अवस्था कहेंगे, यानी कि मूर्त चिंतन जो है वो बच्चे करेंगे, सही अनुपात कर लेंगे, उनको सही अनुपात का ज्ञान हो जाता है गाइस। क्रम भार आकार क्रमबद्धता आदि को भी बच्चे समझने लगते हैं इस एज में आके, ठीक है। इसके बाद में गाइस जो आपका 11 से 15 वर्ष की उम्र होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में बच्चे जो है 11 से 15 वर्ष की उम्र के होते हैं, इसमें समस्या का समाधान करने लग जाते हैं, यानी कि अपनी समस्याओं को वो समझने लगते हैं, उनका समाधान करने लगेंगे, कार्य का कारण जो है वो भी समझने लगेंगे। इसके अलावा वो अमूर्त चिंतन करने लगेंगे, यानी कि जो चीज़ें उनके सामने नहीं हैं गाइस उनके ऊपर भी वो चिंतन करने लगेंगे। इस प्रकार के जो एक्टिविटी है वो 11 से 15 साल के बच्चे में देखने को मिलेगी, ठीक है, ये किशोरावस्था का टाइम होता है गाइस। इसके बाद में देखिए जो पहली स्टेज है सेंसोरी मोटर स्टेज, इसके काफ़ी पॉइंट हमने देख लिए हैं। इसी एज में 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें सहज स्कीमा एज जो है इसको बोला जाता है गाइस, सहज स्कीमा एज भी इसी एज को ही बोला जाता है। एक्टिविटी जो होती है बच्चे की वो मीनिंगलेस होती है, 0 से 2 साल का बच्चा जो भी एक्टिविटी करेगा उनका कोई मतलब नहीं होता है गाइस, मीनिंगलेस एक्टिविटी होती है, मतलब उसका खुद से ही कुछ होता है बाकी उनका कोई वो नहीं होता। अनुकरण से सीखता है बच्चा, यानी कि इमिटेशन करेगा बच्चा, क्या करेगा नकल करना जो है वो सीख जाता है इस उम्र में। भाषा बोलना शुरू कर देता है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, भाषा को बोलना शुरू कर देता है बच्चा 0 से 2 साल की उम्र में। स्कीमा जो है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, स्कीमा क्या होता है गाइस, बच्चों की क्रियाएं उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती है उसी को स्कीमा कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो बच्चे का जो ज्ञान है उसके मस्तिष्क में वही क्या है, वही उसका स्कीमा है, ठीक है गाइस। इसके बाद में देखिए जो दूसरी स्टेज होती है आपकी अमूर्त चिंतन वाली जो स्टेज है, 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है गाइस प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो क्यूरियोसिटी, अब खुद ही सोच लीजिए दो साल से 7 साल का बच्चा हुआ वो कितने जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियोसिटी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्वेश्चनिंग करने लगते हैं हर चीज़ पे, वो क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है। अहम केंद्रित यानी कि ईगो सेंट्रिक होगा, बच्चे को लगेगा कि जो कुछ है वो ही है, उसके अलावा मतलब कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, इस प्रकार की भावना जो है वो बच्चे में विकसित होती है इस एज में। जीववाद पाया जाता है गाइस, एनिज्म इसे कहते हैं, चीज़ों को असली मानना, ठीक है, यानी कि वही चीज़ों को असली मानेगा वो। इसके अलावा भाषा को सिस्टमेटिक वे से लर्न करने लग जाएगा दूसरी स्टेज में बच्चा। इसके अलावा पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलने लग जाएगा गाइस, प्रतीक चित्र आदि मतलब इनका प्रयोग जो है वो आरंभ कर देगा, जो कुछ जो मतलब सिंबल्स वगैरह होते हैं उनका प्रयोग जो है वो बच्चा 2 से 7 साल का जो बच्चा होगा वो प्रयोग करने लग जाएगा। सही अंतर नहीं कर पाता है 2 से 7 साल का बच्चा गाइस, सही अंतर नहीं कर पाता है, कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने
एक एग्जांपल दिया है कि अगर 2 साल से 7 साल की उम्र में, मतलब बच्चा जो है उसके सामने आप एक तो एक एक किलो रुई रख दो सामने, और एक उसके सामने 5 kg का कुछ आयरन का एक इस टाइप से कुछ रख दो, या फिर कुछ स्टोन रख दो 5 kg का, तो जो चीज़ उसे देखने में बड़ी लगेगी तो वो उसको भारी समझेगा, ठीक है, यानी कि एक सही से वो अंतर नहीं कर पाएगा। फिर गाइस जो सेकेंड स्टेज है आपकी, इसके अंदर इसको 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें आपका आता है पूर्व प्रजकाल और अंत प्रजकाल। पूर्व प्रजकाल को 2 से 4 साल की इनका बताया है, और अंत प्रजकाल को 4 से 7 साल का बताया है, ठीक है गाइस। जो थर्ड स्टेज है हमारी, जिसमें आपका मूर्त चिंतन जो है बच्चा करने लगता है, 7 से 11 साल का बच्चा, जो आपका 4th 5th क्लास 6th क्लास तक, मतलब 5th 6th क्लास तक मोस्टली इस क्लास में होगा बच्चा, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जैसे चिंतन जो है वो बच्चा प्रारंभ कर देता है, मूर्त और तार्किक चिंतन करता है। इसका चिंतन जो होता है गाइस मूर्त होता है, यानी कि जो चीज़ें सामने हैं उन्हीं पर चिंतन करेगा, लेकिन तर्क आधारित होगा, ठीक है, तार्किक चिंतन करेगा। उससे पहले हमने देखा था ना कि बच्चा अतार्किक चिंतन करता है इससे पहले की स्टेज में, लेकिन यहाँ बच्चा जो है तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देगा, ठीक है गाइस। इसके बाद में ये कि कंजर्वेशन वगैरह के जो नियम होते हैं उनको समझने लगेगा, मैथमेटिकल जो रूल्स होते हैं, अंश पूरण का ज्ञान जो है वो भी बच्चे को इसी अवस्था में हो जाएगा गाइस। बच्चा वर्गीकरण या पलटवी, यानी कि जो इस प्रकार के जो मैथ में क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल, और मतलब विलोमता, समानता, ठीक है, अलोम विलोम, उल्टा सीधा करना, वर्गीकरण करना, इस प्रकार के जो एक्टिविटी होती है, मतलब इस प्रकार के जो क्वेश्चनिंग वगैरह कुछ भी आप समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है इनके बारे में बच्चे को ज्ञान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में गाइस आपका जो थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष की एज, इसमें हमने कुछ पॉइंट देख लिए हैं। इसके अलावा इसमें आपको पता है कि इस एज में बच्चा मूर्त चिंतन करेगा, ठीक है गाइस। किशोरावस्था की एज आ जाती है, और इसमें चिंतन जो होता है वो मूर्त होता है, आपको पता ही है, हमने इससे पहले जब विकास की अवस्थाएँ पढ़ी थी तो उनमें भी डिस्कस किया था। यहाँ पर निर्णय शक्ति, मनन, स्मरण, ये सब करने लगेगा बच्चा, अंकों का प्रयोग करेगा, समस्या समाधान करने लग जाएगा गाइस। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि मानसिक द्वंद्व जो है वो बच्चे में पैदा हो जाएगा, तर्क शक्ति का विकास होगा गाइस इसी एज में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं चारों स्टेज के, यानी कि आपकी सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर आप अपने आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, अपने घर के जो बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा सा मैच करके अगर इसको चलेंगे लेके पूरे कंसेप्ट को, तो बहुत ही आसान लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसी थ्योरी के, तो उनको भी जान लेते हैं। यहाँ से मोस्टली गाइस क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में। सो जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 2 भागों को विशेष महत्व देते हैं या विशेष बल देते हैं। एक है गाइस अनुकूलन और दूसरा है संगठन। अनुकूलन से आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन बना है गाइस, ठीक है। तो अनुकूलन क्या है जान लेते हैं। अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन, बच्चा अपने मन व पर्यावरण के बीच में सामंजस्य यानी कि अनुकूलन बिठाता है, ये गाइस अपने मन के और पर्यावरण के बीच में वो अडेप्टेशन करता है, अडेप्ट करता है अपने आप को पर्यावरण में। तो इसमें 2 भाग हैं, आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन, और समंजन यानी कि विशिष्टकरण, एकोमोडेशन। तो गाइस एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से मोस्टली आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता है। तो एसिमिलेशन क्या होता है, अपने स्कीमा में नवीन ज्ञान को ऐड करना, ग्रहण करना गाइस। कुछ भी जो नई चीज़ें बच्चा अपने अंदर मतलब ग्रहण करता है, ऐड करता है नई चीज़ का ज्ञान, वो एसिमिलेशन है। और बच्चा जब अपने मतलब पहले से प्राप्त जो उसका ज्ञान है, पुराना जो उसका ज्ञान है, जब बच्चा उसका विस्तार करता है, उसमें चेंज करता है, तो वो बच्चे का क्या है, एकोमोडेशन है, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, आपको बेटर समझ आएगा। तो गाइस एसिमिलेशन का मतलब होता है कि बच्चे को ये बोल दिया कि जब बच्चे ने पहली बार जैसे काला कुत्ता देखा, उसको मतलब उसके पेरेंट्स या कुछ भी जो पास है उन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, ये एक काला जो है ये कुत्ता है, ठीक है, एक प्रकार का जानवर है ये कुत्ता है। तो बच्चे ने एक नई चीज़ सीखी कि जो ये काला रंग का कुत्ता होता है, ठीक है। तो उसके मतलब स्कीमा में एक नया ज्ञान जो है वो ऐड हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने क्या किया, एक भैंस देखी, अब भैंस भी काली थी, उसको लगा कि ये भी कुत्ता है, ये बड़ा कुत्ता है, ठीक है, बच्चे को ये लगा। लेकिन फिर उसके पेरेंट्स ने, उसके बड़े ने मतलब उसको बताया कि ये कुत्ता नहीं है, ये तो एक अलग जानवर है, ये भैंस है। तो गाइस फिर बच्चे को क्या हुआ,
बच्चे को लगा कि अच्छा ये ऐसा है, तो वो क्या करेगा, मतलब उसका जो पुराना ज्ञान था, जिसको सिर्फ पहले यही पता था कि काला कुत्ता ही होता है, अब उसके ज्ञान में एक नई चीज़ ऐड हो गई है कि काला सिर्फ कुत्ता नहीं होता है, काली तो भैंस भी होती है, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है इस प्रकार का, बहुत ईजी सा आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया है। अदरवाइज इसी से रिलेटेड थोड़े से अलग टाइप के एग्जाम्पल जो है आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो मेनली आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि एसिमिलेशन का मतलब होता है नई चीज़ को, नए ज्ञान को ग्रहण करना बच्चे के द्वारा, और एकोमोडेशन का मतलब होता है जो उसके अंदर पहले का ज्ञान है उसके अंदर कुछ चेंज हो जाना या फिर उसके अंदर उसका विस्तार हो जाना, ठीक है गाइस। तो ये पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन होता है गाइस प्रत्यक्षीकरण करना, यानी कि मस्तिष्क में संपर्क का निर्माण या फिर बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना। इसके बाद में स्कीम्स जो है, यहाँ पे मैंने लिखा था, ये मिस कैसे पता नहीं पीडीएफ में स्किप हो गया है गाइस, कोई बात नहीं। स्कीम्स स्कीमा में पढ़ा था गाइस पहले क्या है, स्कीम्स क्या होता है, इन जो जितनी भी हमने अवस्थाएं पढ़ी है उनका एक व्यवस्थित संगठन जो है गाइस वो स्कीम्स कहलाता है, ठीक है। स्कीम्स क्या होता है, सभी अवस्थाओं का व्यवस्थित संगठन जो है वो आपका स्कीम्स कहलाता है। तो ये जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास था गाइस, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर का कुछ भी पॉइंट जो है वो नहीं आएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल आपको कुछ चेंज करके दे देगा, मेनली आपको एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, अनुकूलन, अडेप्टेशन, ये सारे पॉइंट जो हैं बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने हैं। 101% गाइस यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने वाला है। जो चारों स्टेज है इनके सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनको ध्यान में रखिएगा, और इसके अलावा सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन प्याजे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत जो है वो डिस्कस करेंगे, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसी से थोड़ा मिलता जुलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी पीडीएफ है गाइस, ठीक है, जितने भी मेरी जो लेक्चर हैं, कोर्स हैं, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंटिन्यू जो है वो चैनल से जुड़े रहिए। जितने भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेट एग्ज़ाम को लेके सारे यहाँ पे डिस्कस होंगे, और आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आने वाले एग्ज़ाम्स से। सो कोर्स से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।